गाइस वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है फिर से ऑल न्यू 2023 महिंद्रा थार। ये वाली थार के अंदर क्या चीज अलग है, वो है इसका इंजन। ये है 1.5 लीटर डीजल वाली महिंद्रा थार जो कि अभी रिसेंटली आई है मार्केट के अंदर, मतलब अभी ऑफिशियली ये कार लॉन्च भी नहीं हुई है। एंड मैं आज आपको इसका टेस्ट ड्राइव रिव्यू देने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपके यहाँ पे लुक इसका मिलने वाला है। एंड डिटेल वॉकराउंड वीडियो ना मैंने ऑलरेडी इस कार की बनाई हुई है, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थार की बैचिक आपको यहाँ पर इसमें मिल रही है, बट 4x4 यहाँ से जा चुका है, यानी कि ये कार अब सिर्फ रियर व्हील ड्राइव है। ये वाले इंजन के साथ यहाँ पर आपको इसमें 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। और साथ ही साथ ना 4x4 की बैजिंग के साथ साथ यहाँ पर M-Hawk 130 की बैजिंग यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि ना अब आपको यहाँ पर इसके अंदर मिलता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि सेम आपको XUV 300 के अंदर भी दिया जाता है। एंड ये इंजन ना यहाँ पर प्रोड्यूस करता है 116 PS की पावर और 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। एंड अंदर से भी मैं आपको यहाँ पर एक बार डिफरेंस इसका दिखा देता हूँ। अंदर से ना यहाँ पे आप देखिए कि ना यहाँ पे गियर बॉक्स के साथ में पहले आपको यहाँ पे 4x4 का कंट्रोलर मिलता था जो कि यहाँ से जा चुका है। यहाँ पर अब आपको सिर्फ इसमें खाली जगह दी गई है स्टोरेज स्पेस की तरह, जिसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स ही अभी भी आपको यहाँ पर इस कार में मिलता है। चलिए अब करते हैं इसको ड्राइव। लेकिन ना इसको ड्राइव करने से पहले यहाँ पर कार के अंदर थोड़ी सी फ्रेशनेस क्रिएट कर देते हैं, और वो किससे होगी, वो होगी इन्वॉल्व के ब्लैकस्टोन का परफ्यूम से। ये परफ्यूम ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मतलब कि ना यार अगर आपको एक इंस्टेंट फ्रेशनेस चाहिए ना अपनी कार के अंदर तो जरूर से इसे बाय कर ले। इसके साथ ना आपको यहाँ पर एक हैंगिंग टैग भी मिलेगा जिसके ऊपर की ना आपको यहाँ पर इस परफ्यूम को 2 से 3 बार स्प्रे कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से काफी इजिली आप यहाँ पर इसे इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। 2 से 3 बार आपको यहाँ पर इसके ऊपर ये स्प्रे करना है, एंड उसके बाद ना कार के अंदर पूरी फ्रेग्रेंस इसकी फैल जाएगी। एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फ्रेग्रेंस है यार, ट्रस्ट भी अगर आप एक बार ही से बाय करेंगे ना तो नेक्स्ट टाइम भी इसी परफ्यूम को बाय करने वाले हैं। लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अब चलाते हैं इसको। जैसा कि मैं ये कार चला रहा हूँ तो फर्स्ट इंप्रेशन आपको आज की इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा इस 1.5 लीटर वाले इंजन के साथ। तो इनिशियली यहाँ पे आप कह सकते हो थोड़ा सा पावर लैग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2.2 के कंपैरिजन में, बट एज सच में को यहाँ पे कोई भी कमी नहीं लग रही है नॉर्मल सिटी यूज के लिए। इस कार के अंदर बहुत ही ज्यादा मतलब जबरदस्त लग रही है, थोड़ी सी ना मतलब आवाज का फर्क आ गया इस इंजन के अंदर। जैसे आपको 2.2 लीटर के अंदर थोड़ी सी एक अलग आवाज मिलती है, इसके अंदर थोड़ी अलग आवाज आपको मिल रही है 1.5 लीटर वाले इंजन के अंदर। बाकी इसको अब यहाँ पे थोड़ा सा लेके चलते हैं हाईवे की साइड पे, एंड फिर देखते हैं कि कैसा ओवरऑल रहता है इसका रेस्पॉन्स। बाकी एक बारी आइडल इसका रेव करके देखते हैं आइडली ये कितने तक रेव करेगी। न्यूट्रल कर देता पहले मैं इसको, एंड यहाँ पे देखते हैं तो ये 3 तक जाती है, 3 के RPM तक ये वैसे रेव करती है। एंड अब एक बारी यहाँ पर इसको चला के देखते हैं अच्छे से, रोड यहाँ पे पूरी खाली आगे पीछे आप देख ही सकते हैं। बाकी अब करके देखते हैं इसको रेव यहाँ से, तो भाई इंस्टेंट पिकअप है इसके अंदर जैसे कि पहले थार के अंदर था ना, तो वाली चीज है इसमें। 116 PS की पावर यहाँ पर आपको इसमें मिल जाती है, 300 न्यूटन मीटर्स का आपको यहाँ इसमें टॉर्क मिल जाता है। कहीं भी पावर की कमी यहाँ पे देखने को नहीं लगी 1.5 पीस का, काफी ज्यादा बढ़िया इंजन मेरे को यहाँ पे पर्सनली लगा। कोई भी आपको यहाँ पे एज सच दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप इसको नॉर्मल सिटी यूज के लिए लेना चाहते हैं तो, मतलब एज सच इतना कोई फील नहीं हो रहा कि इंजन ये अंडर पावर्ड है या कुछ है। हैंडलिंग वगैरह बिल्कुल सेम है पहले की तरह, सेटिंग कंफर्ट व्यू वगैरह बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। एंड थोड़े सा इसे यहाँ पे और रेव कर देख लेते हैं। एट्टी पे आ गया, मतलब यार इतना कोई खास पता ही नहीं लग रहा। मैंने 2.2 वाली ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा ड्राइव किया, मेरे एक फ्रेंड के पास है तो हम उस पर ट्रिप्स वगैरह काफी गए हैं, तो उसके और इस पे ना मतलब इतना कोई एज सच डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जरूर से है बट इतना कोई खास पिकअप के अंदर यहाँ पे डिफरेंस मेरे को पर्सनली नहीं लगा। ओवरऑल ड्राइविंग फील बिल्कुल ही सेम है, सेटिंग कम्फर्ट आप ले लो चाहे जो मर्जी आप बात कर लो, बिल्कुल आपको यहाँ पर सेम मिलने वाला, सेम फीचर्स मिले। अब इंटरेस्टिंग बात क्या रहने वाली है इसके अंदर, वो ये है 1.5 लीटर का। 1.5 लीटर का मतलब होगा कि 1500 cc से थोड़ा सा नीचे कहीं पे इंजन है इसका,
जो कि आपको XUV300 के अंदर भी मिल जाता है। तो इस पे ये है कि सब 4 मीटर कार के अंदर इसके अंदर आपके यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स काफी ज्यादा मिल जाएंगे। 1.5 लीटर इंजन के 2.2 लीटर के अंदर आपको काफी ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है एंड इसके अंदर आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। टैक्स कम होगा तो ऑब्वियसली इसका प्राइस भी कम होगा। मेरे हिसाब से कहीं ना इसका एक्सट्रीम प्राइस रखा जा सकता है 10.99 लाख रुपीज के आसपास, क्योंकि अगर आप स्कॉर्पियो का Z4 वेरिएंट देखो, अगर लेते हैं मतलब सेम लगभग आप फीचर्स कह सकते हो, स्क्रीन उसमें आ रही है, इसमें भी आ रही है, तो उसका प्राइस रखा गया 13.5 लाख रुपीज 2.2 लीटर वाले इंजन के साथ। इसका उससे यहाँ पे थोड़ा कम ही रखेंगे, ऑब्वियसली सब 4 मीटर में भी आ रही है, टैक्स वगैरह काफी ज्यादा फर्क आ जाएगा ओवरऑल अगर देखते हैं तो मेरे हिसाब से प्राइस इसका 10.99 के आसपास आ सकता है। बाकी जैसी ये कार ऑफिशियली सेल होनी शुरू होगी फिर ही सही पता लग पाएगा। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर ना आपको यहाँ पर इसका एक फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है, जो कि मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा बढ़िया लगा। एज सच कोई भी पावर लैग वगैरह यहाँ पर नहीं देखने को मिला इस 1.5 लीटर वाले इंजन के अंदर। ब्रेकिंग वगैरह भी टेस्ट कर लेते हैं, तो ब्रेकिंग वगैरह भी बढ़िया ही है एज यूजुअल, जैसे मतलब पहले थार में थी उसी तरीके की है। थार के अंदर थोड़ी सी वैसे ब्रेक्स इसकी वैसे एज सच नॉर्मल कार से थोड़ी सी इसकी कम रहती है, बट थार के हिसाब से इसकी भी वैसी की वैसी ही मेरे को लगी। मतलब मेन इसकी गेम अब रह गई है इंजन पे, 1.5 जैसे आपको पता है, तो सुनने में इतने बड़े साइज के लिए थोड़ा सा कम लगता है। मेरे को भी पहले लगा था कि ड्राइव में मजा नहीं आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्राइव इसकी लगभग सेम सी ही मेरे को लगी इंस्टेंट, जैसे अब थर्ड गियर पे है कार एंड 1 RPM में मैं यहाँ पे रेव कर देता हूँ। 1.5 तक थोड़ा सा लगी है एंड उसके बाद ये आपके सामने है। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से, तो आपको कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन बताना। बाकी ड्राइव आप भी इसको कर पाएंगे शोरूम्स में जाके, जो कि अराउंड मेरे हिसाब से 26 जनवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएगी इसकी वैसे ऑफिशियली टेस्ट रेस वगैरह। बाकी मेरी तरफ से यही थी एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव की डिटेल इस 1.5 लीटर वाले इंजन की। बाकी फीचर्स वगैरह की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ही सेम फीचर्स आपके यहाँ पर इसमें मिलते हैं, वही स्क्रीन आपके यहाँ पर मिल रही है, एसी वगैरह मतलब सब कुछ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल ही सेम है। कोई भी आपके यहाँ पर इसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा फीचर लिस्ट के अंदर इस कार में, जो कि ना काफी अच्छी बात है। कि MID स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक 4x4 वाला यहाँ पे कंट्रोलर जा चुका है, जिसकी जगह पर यहाँ पे हमने अपना परफ्यूम रख दिया है गाड़ी के अंदर। एंड ना भाई देखो ये वाला एरिया जो है ना ऑफ रोडिंग, मतलब कह नहीं सकता, बट ठीक है, ये है रियर व्हील ड्राइव, तो कहीं ना बस एक इस पॉइंट पे आपको लगेगा कि यार 4x4 आनी चाहिए थी कहीं कहीं जगह पे। बाकी 90% लोग जो हैं वो 4x4 लेके भी 4x2 में ही यूज करते हैं। मेरे फ्रेंड के पास एक खुद का कार है, थार है, मतलब उसकी अराउंड अभी 15,000 किलोमीटर चल चुकी है एंड अभी तक हमने एक बार भी उसके अंदर 4x4 को यूज करके नहीं देखा है। और जिनके पास ऑलरेडी 4x4 है भी ना, वो लोग भी मतलब धक्के से यूज करते हैं कि 4x4 लगा लें, मतलब मौका ढूंढते हैं कि यार यहाँ पे लगाना पड़े, जान के फंसाने वाली बातें करते हैं, तो वो लोग ही मतलब इतने देखे मैंने यूज करते हैं। बाकी 90% लोग 4x2 के अंदर ही इसको यूज करने वाले हैं। एंड अगर इस कार का प्राइस वही 10-11 वाले सेगमेंट में आ जाता है तो सब 4 मीटर जैसे वेन्यू, सोनेट, XUV300 इन्हीं की कार सबको ये पीछे छोड़ने वाली है, मतलब प्राइस अगर जबरदस्त आ गया ना। बाकी मेजर कॉम्पिटिशन इसका रहने वाला है मारुति सुजुकी की जिमनी के साथ। जिमनी जो है वो 1.5 लीटर पेट्रोल में आने वाली है, 4x4, 4x2 दोनों ऑप्शंस में वो आएगी एंड जल्दी वो भी लॉन्च हो जाएगी एंड उसकी वीडियो आप चैनल पे मिल जाएगी। एंड ये वाले थार के ना प्रॉपर वॉक अराउंड वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, कल ही मैंने उसकी वीडियो डाली है, आज आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल अभी सिटी के अंदर ही मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी कोई डिफरेंस मेरे को फील नहीं हो रहा है पर्सनली, बस इंजन की जो साउंड है वो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट मेरे को लग रही है, मतलब जैसे मतलब क्लच छोड़ के थोड़ा सा रेव करना पड़ता है ना, तो वो वाली साउंड हल्की सी यहाँ पे थोड़ा उसका क्लैटर सा थोड़ा अलग है नॉर्मल 2.2 लीटर वाले डीजल के हिसाब से। बाकी ओवरऑल ठीक है, मतलब मैनेजेबल है अगर इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़िया महिंद्रा आपको ऑफर कर देती है। इंस्टेंट पिकअप है यार, कोई कमी ही नहीं है गाड़ी के अंदर। XUV300 का भी कितना मस्त पिकअप है एंड मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ये रहने वाला है महिंद्रा की तरफ से। एंड महिंद्रा ना यार सही में गेम चेंज कर रहा है, स्कॉर्पियो एन, XUV700, ये मतलब यार नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं महिंद्रा की तरफ से। बाकी अब चलते हैं एंड फाइनली कंक्लूड कर देते हैं इस वीडियो को। बाकी यही थी गाइस कंप्लीट वीडियो, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ शेयर भी कर दे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड
इस कार के ना सभी वेरिएंट्स का डिटेल वॉक अराउंड वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो जरूर से चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर देना। साथ ही ना मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप ये 1.5 लीटर वाली थार को कंसिडर करेंगे या नहीं, और साथ ही आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ना लिंक मिल जाएगा इन्वॉल्व के ब्लैकस्टोन का परफ्यूम का, जिसे जाकर आप जरूर से बाय कर लें। थैंक यू।